ना अब इस पार्ट को कट किया गया, अब क्या हो जाएगा, सेम डायग्राम सेम फॉर्मूला। अब हमने क्या किया, हमने फिर से इस तरह से किया और इधर इधर ले आते हैं, हाँ थोड़ा सा समझाने के लिए। हाँ अब हमने इस पार्ट को कट कर दिया, या इस पार्ट को कट किया। छोटा इस पार्ट का रेडियस कितना है, आर बाय टू। तो एक बात बताओ, अगर टोटल मास एम था तो कटआउट पार्ट का मास कितना होगा, तो मास कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमने ट्रिक तुमको बताया, अगर मास नहीं मालूम होता है तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3/r³। इसका मतलब तुमको ये समझ में आया कि मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू, रेडियस क्यू, मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू, समझ में आया ना। तो हम लोग कर लेते हैं, इनिशियल मास, कटआउट मास, इनिशियल रेडियस, कटआउट रेडियस क्या होगा, कटआउट रेडियस है आर बाय टू है बेटा, कटआउट रेडियस आर बाय टू है, जस्ट अ मिनट, कटआउट रेडियस आर बाय टू है, दिख रहा है ना आर बाय टू कटआउट रेडियस, तो आर बाय टू होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 8। तो कटआउट पार्ट का, हाँ बेटा क्यूब होगा, 8 हो जाएगा। तो कटआउट पार्ट का मास कितना हो जाएगा बेटा, m बाय 8। हाँ तो ये सॉलिड स्फीयर ओरिजिनल है और g का फॉर्मूला इतना आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है उसने 3r, हो गया हमारा। अब तुम क्या करो, कटआउट से निकालो g का फॉर्मूला। अब मास कटआउट का ये वाला यूज करना m बाय 8, m बाय 8 यूज करना, ठीक है। फिर से यहां से, अच्छा बताओ यहां से डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द डायग्राम, जरा बताओ इधर से डिस्टेंस कितना होगा इस सेम पॉइंट का, डिस्टेंस कितना आएगा, जी टू इज इक्वल टू जी, कटआउट पार्ट का मास क्या लेंगे हम लोग, एम बाय 8 आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना लेंगे फ्रॉम द डायग्राम, ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा सेंटर से, ये डिस्टेंस कितना आएगा, दिस डिस्टेंस हाउ मच, थ्री आर माइनस आर बाय टू, तो आएगा क्या, थ्री आर माइनस आर बाय टू, तो कितना आ जाएगा, फाइव आर बाय टू आ जाएगा। हाँ तो हम लोग लेंगे 5r by 2 होल स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, g1 by d2 आंसर मिल जाएगा। तो इस, अच्छा नहीं 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 रेशियो नहीं लेंगे, हाँ रेशियो चाहिए ना, हाँ तब तो ठीक है मिल जाएगा फिर, ठीक है। देखो तो पहले हमने ओरिजिनल स्फीयर का निकाला, फिर कटआउट का निकाला उसका, एक मिनट रुको, नो न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड g2। अच्छा कट करने के बाद, नहीं 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 एक सेकेंड, ये ओरिजिनल है, ये तो कटना ही नहीं है, जी टू नहीं होगा बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कटआउट का, दिस इज कटआउट, ये कटआउट का, सी लगा देते हैं, सी मतलब कटआउट। तो ये ओरिजिनल है, ये कटआउट है, ये ओरिजिनल का है और ये कट आउट का, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी एम, ये ऊपर चला जाएगा 4/25 आ जाएगा ना, 4/25 आर स्क्वायर। तो बेटा ये ओरिजिनल का, ये कट आउट का, ठीक है। Then what is the g of the remaining? तो remaining का कितना बचेगा? Original minus cutout. देखो ये original है, ठीक है? ये cutout का है c. तो remaining का कितना बचेगा? Original minus cutout. ये बात समझ में आया? वो g1 original है और ये cutout का है. तो जो remaining sphere का बचेगा वो कितना बचेगा? ओरिजिनल माइनस कटआउट। तो रिमेनिंग स्फीयर का क्या होगा? रिमेनिंग स्फीयर का होगा दैट इज ओरिजिनल माइनस कटआउट।
तो जी टू क्या हो जाएगा, जी वन की वैल्यू क्या है, दैट इज जी एम अपॉन 9 R² माइनस, कट आउट का कितना आया, 4 GM अपॉन 25 R² इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी एम कॉमन हो जाएगा, R² कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 25, क्या आएगा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो, दिस वन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वन बाय नाइन माइनस 4 बाय 25, व्हाट विल गेट, वन अपॉन नाइन माइनस 4 बाय 25 क्या आएगा, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, क्या आएगा 1/9 माइनस 4/45, क्या आएगा 1/9 माइनस 4/45, तो 45 एलसीएम ले लो ना, तो 9 5 45, 5 माइनस 4, तो 1/45 आएगा ना सर। हाँ कुछ गलत किया क्या, क्या बोलिए, 25 ना, अच्छा ओ ओ 8 छूट गया, 8 नीचे आएगा 4, तो 50 हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, या थैंक यू, तो ये देखो ये 8 नीचे आएगा तो वो छूट गया, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 आएगा, 50 आर्स, ठीक है, इस वन ईयर इसको हटाओ, इसको भी हटाते, ये 1/50 हो जाएगा, इट बिकम ये 50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/50, तो कितना आ रहा है, आई थिंक 5/50, तो जी ये किसका फॉर्मूला हो गया, G1 का ही फॉर्मूला हो गया, दिस वन ऊपर जो था, तो G2 इज इक्वल टू G1 इंटू 5/50, नहीं 5/50, तो G2 G1 का रेशियो ले लो, G1/G2 का रेशियो ले लो, हाँ G1/G2, G1/G2 चाहिए ना, तो टेक G1/G2 रेशियो, टेकिंग रेशियो G1/G2, G1 क्या था, GM/9 R² और G2 क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, 50 R² अपॉन 5 इंटू GM, तो GM GM और R² कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 50/95 जा? ये ठीक है ना, हाँ बेटा सर G2 की वैल्यू अलग आ रही है, क्या आ रही है बेटा तुम्हारी, 1/9 माइनस 1/50 कितना होता है, अच्छा हाँ 1/9 माइनस 1/50, G2 के लिए क्या आ रही है, जस्ट अ मिनट, हाँ क्या आ रही है, बोले रहे 41/450, यस 41/450, यस 41/450, तो 41/450 ये आ रही है ना, तो इन्वर्ट करेंगे, तो इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट करेंगे तो 450 R² अपॉन 41 इंटू GM ना, तो GM GM और R² कैंसिल हो जाएगा, तो 45 जा, तो 50/41 आ रहा है ना, 50/41 ऑप्शन में है, 50 ऑप्शन किधर गया, हाँ तो ऑप्शन टू आता है, यस ऑप्शन 50/41, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा लेवल टू क्वेश्चन था, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा इन्होंने काफी सरल बात दी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि G1 मतलब ओरिजिनल, G2 मतलब रिमेनिंग, कटआउट नहीं, G1 मतलब ओरिजिनल, G2 मतलब रिमेनिंग, मैं रिपीट करो अपने वर्ड्स को, G1 मतलब ओरिजिनल, G2 मतलब रिमेनिंग, अच्छा डायग्राम उसने प्रोवाइड किया है, इसका मतलब सारे डिस्टेंस तुमको मिल जाएंगे फ्रॉम द डायग्राम,
कोई इशू नहीं, तुम्हें जी का फॉर्मुला यूज करना है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लगा दो फॉर्मुला, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस 3R दिख रहा है तो कितना आ रहा है, 3R मतलब 9R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा फिर उसने क्या किया, उसमें से कुछ पार्ट को कट कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले ये वाले फॉर्मुले से मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मुले से हमने कटआउट का मास निकाल लिया, फिर कटआउट से जी निकाल लिया। अब इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आपने निकाल लिया फ्रॉम द ये की ये आ जाएगा 5R by 2, कैसे आ जाएगा 3R minus R by 2, आपने जैसे बताया वैसे आ जाएगा, तो आगे उसका भी आ गया। तो रिमेनिंग का क्या होगा, रिमेनिंग स्पीयर का होगा ओरिजिनल माइनस कटआउट, तो हमने ओरिजिनल माइनस कटआउट कर दिया तो रिमेनिंग का भी मिल गया। अब हमने रिमेनिंग जीवन जी टू मतलब ओरिजिनल और रिमेनिंग दोनों का रेशियो ले लिया 50/41। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? यस। ओके, तो देखो एक आध क्वेश्चन तो डिफिकल्ट देंगे ही ना थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, अगर आप करके जाएंगे तो हो जाएगा आपसे, कोई मुश्किल काम नहीं है आपसे, ठीक है। कैन आई स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्योंकि जब जी का फॉर्मुला यूज करोगे तो यूनिट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वगैरह तो मिल जाएगा सेंटर से, ठीक है। हाँ, कटआउट का मास कैसे निकाला वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकाल दिया कटआउट का, फिर कटआउट का जी निकाल लिया उसके सेंटर से, फिर हमने रिमेनिंग कैसे निकाला, ओरिजिनल माइनस कट आउट, ठीक है, गॉट इट? यस सर। स्क्रू गॉज में भी क्वेश्चन आया था, स्क्रू गॉज याद है आप लोग को? चलो स्क्रू गॉज का बाद में करते हैं, बाकी ये पहले कर लेते हैं जो आप लोग कर सकते हैं पहले। हाँ, ये मैचिंग करना है डायमेंशन का, ये कल ही आया था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, प्लैंक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका डायमेंशन मैच करेगा? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, यस, कौन सा मैच करेगा एनर्जी डायमेंशन? एनर्जी डायमेंशन कौन सा है? ML2T-2, यस, Q हो जाएगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ML T-1, ये हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक्स कांस्टेंट भी सुना है आपने? यस सर। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल इनटू सेकंड, तो जूल इनटू सेकंड होता है, जूल मतलब एनर्जी, जूल मतलब एनर्जी और सेकंड टाइम, एनर्जी तो मालूम है, काइनेटिक एनर्जी ले लो, एनर्जी जूल का, हाँ, ML2T-2 और सेकेंड क्या होगा टी, तो ये हो जाएगा M1 L2T-1, तो प्लैंक्स कांस्टेंट M1 L2T-1 ये हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन एनर्जी होता है ML2T-2 एनर्जी, वर्क डन को एनर्जी, चार्ज क्या होता है IT, तो ये हो गया कितना हो जाएगा M1 L2 T-3 I-1। इन्होंने ब्रेक नहीं किया, इन्होंने कूलम भी ले लिया, कूलम सी, ऐसे होता नहीं है, बस ले लिया तो ले लिया, ठीक है, चार्ज का सी ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा इसका M1 L2 T-2 C-1, सी होता नहीं बट उन्होंने ले लिया तो ले लिया, उसमें क्या, ठीक है, ओके, तो इसका ये आ जाएगा, गॉट इट एवरीवन? जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, अदरवाइज क्या होगा ना इसमें, ठीक है, आप फिर अगर दो तीन में निकल गए तो आंसर तो गैस कर ही लेंगे फिर, गॉट इट? सबने कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है? यस सर। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट
हाँ ये सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन था, पार्टिकल रिवॉल्विंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको याद है, मैंने आपको बताया था लोवेस्ट पॉइंट वेलोसिटी इतना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे इतना होता है, वो मैंने कराया था, ठीक है। अच्छा नहीं, सीईटी स्टूडेंट्स को नहीं कराया था, सीईटी स्टूडेंट में क्लास ट्वेल्थ में सबको कराया बेटा, सीईटी को नहीं कराया, सीईटी को इसलिए नहीं कराया था ना, उनके क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर वन, उसमें है सर्कुलर मोशन। तो सीईटी स्टूडेंट डोंट बी पैनिक, आप लोग को मैंने नहीं कराया क्योंकि ट्वेल्थ का टॉपिक था, तो मैंने कहा तो बाद में कराएंगे आप लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर वन ट्वेल्थ का, ठीक है। तो फिलहाल बाकी लोगों ने तो किया हुआ है ना, बाकी लोगों ने किया है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जरा देखते हैं कैसे होगा, जरा पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, मैं तो आपका डायग्राम वगैरह ड्रॉ करता हूँ, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, और ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी वी एच है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी वी एल है, और स्ट्रिंग जो है वो लेंथ एल का जो घूम रहा है, ठीक है, लेंथ उसकी एल है, स्ट्रिंग ऐसे घूम रहा है जैसे ये लेंथ एल है उसका, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया है जरा बोलो जरा, द रेशियो ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इज 5:1। एक बार बताओ मैक्सिमम कहां पे होता है, मिनिमम कहां पे होता है, यस बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने पढ़ा है मैक्सिमम टेंशन कहां पे होता है, मिनिमम कहां पे होता है, बताइए जरा, बोलिए बॉयज एंड गर्ल्स, मैक्सिमम किधर होता है, मिनिमम किधर होता है, क्या हुआ नहीं याद है सर्कुलर मोशन, क्या हुआ भूल गए, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को, यस सर, हाँ तो बताइए मीरा, मैक्सिमम किधर होता है, मिनिमम किधर होता है, सर ऊपर होता है क्या मैक्सिमम, नहीं बेटा कहीं नीचे होता है, नीचे मैक्सिमम होता है ऊपर मिनिमम होता है ना, हाँ नीचे मैक्सिमम होता है ऊपर मिनिमम होता है, यस कैसे होता है बता रहा, ये जब ऊपर जाता है तो वेट नीचे की तरफ होता है और टेंशन भी नीचे की तरफ होता है, टेंशन भी नीचे की तरफ होता है और इसकी वेलोसिटी होती है वी एच, तो कैसे लिखते थे, पी एच प्लस एम जी is equal to centripetal force mvh square upon r की जगह l ले लेंगे बेटा, r की जगह यहाँ पे l ले, length of the string है, ठीक है, तो th क्या हो जाएगा, that is mvh square upon l minus mg and this is the minimum, ये minimum होता है, और जब नीचे आता है तो maximum था, maximum कैसे था, mg नीचे था और tension ऊपर था, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता था, वी एल, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता था, टी एल अपोजिट था ना, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल, तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट क्या होता था, एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, देखो उसमें माइनस एम जी आ रहा है बेटा, इसमें माइनस एम जी आ रहा है तो मिनिमम है और यहाँ पे प्लस एम जी आ रहा है तो वो मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम, तो उसने दोनों का रेशियो दे रखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो कितना है, 5:1, ठीक है, तो हम रेशियो ले लेते हैं, तो टेंशन मैक्सिमम अपॉन टेंशन मिनिमम, ठीक है, इसका मतलब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो लेंगे तो क्या होगा, एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी अपॉन एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, अच्छा सब में मास तो सेम है तो मास सब में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छा ये रेशियो कितना दे रखा है, 5, तो 5 इज इक्वल टू रेशियो 5 दिया हुआ है, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम 5:1, तो ये क्या हो जाएगा,
वी एल स्क्वायर, एल कॉमन ले लो, एल एलसीएम ले लो तो प्लस जी एल, और ये क्या आ जाएगा वी एच स्क्वायर माइनस जी एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ये बॉयज एंड गर्ल्स, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन कैसे निकाला समझ में आया? यस। हाँ लेकिन तुमको चाहिए क्या, फाइंड द वेलोसिटी मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगी, ऊपर की नीचे? सबसे कम स्पीड कहाँ पे थी, ऊपर जा, सबसे कम स्पीड ऊपर ही होती है। तो उसने ये नहीं बताया कि कौन सी स्पीड चाहिए। देखो नीचे स्पीड ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज उसको ऊपर जाना, नीचे स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जा पाएगा। ऊपर जो स्पीड होती है वो मिनिमम होती है, आपको याद हमने न्यूमेरिकल उस पर फॉर्मुला भी डिराइव किया था। नीचे स्पीड होती थी रूट फाइव जी आर, मिडल में होती थी रूट थ्री जी आर, और हाइएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी थी रूट जी आर। याद आया? ठीक है अच्छा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें चाहिए हाइएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब हाइएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मतलब मिनिमम हो गया वो हाइएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द, वेलोसिटी एट द हाइएस्ट पॉइंट, मिनिमम हो गया हाइएस्ट पॉइंट, वो मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगा? अब हमारे पास यहां पे लाके हम रुक गए, अब क्या करेंगे कि हमको मिल जाए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पे हम लोग हाइट को क्या लेते थे, जीरो। यहां पे हाइट को क्या लेंगे, टू है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट इज जीरो, इज इक्वल टू हाफ एम बी एच स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट कितनी होगी, टू एल। सब में मास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी एल स्क्वायर टू इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी एल प्लस फोर जी एल। तो वी एल की जगह तुम इसको रख दो, बस आ जाएगा फॉर्मूला वी एच की वैल्यू, वी एल की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रख देंगे फाइव इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी एल प्लस जी एल अपॉन वी एच स्क्वायर माइनस जी एल। तो वी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर सॉल्व कर लीजिए पूरी क्या आएगी बेटा, देखो सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फाइव वी एच स्क्वायर माइनस फाइव जी एल इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस फाइव जी एल। कितनी आएगी वी एच, ऑप्शन में क्या दे रहा है, क्या हो जाएगी फोर वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू टेन जी एल ना, तो वी एच कितना आ जाएगा 5 जी एल बाई टू ना, समझे क्या? फाइव जी, थर्ड ऑप्शन आएगा, समझे क्या बॉयज एंड गर्ल्स? सीईटी स्टूडेंट आप लोग पैनिक मत हुई, आप लोग ने नहीं किया है, आपके क्लास में ट्वेल्थ में है, फर्स्ट चैप्टर है, बोर्ड्स बोर्ड्स का चैप्टर है, तो मैंने आपका बोर्ड्स का चैप्टर टच नहीं किया था ये वाला, ठीक है? बाकी लोग समझ में आया? हेलो, गॉट इट ना? तो बहुत से क्वेश्चन आए इस टाइप के, ठीक है? तो यू शुड नो, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। देखो ऐसा नहीं, देखो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट ये कि थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करके जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह के, यू कैन डू इट। तो आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। स्क्रॉल करें, यस, ये तो ग्रेविटेशन पे, हाँ अच्छा,
Sir, please show the question once. हो गया, चलो। अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा ग्रेविटेशन का? यस, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्या करेंगे? ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है ये, तो सीईटी में भी पढ़ चुके हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं, कैसे करेंगे? बोलो, कैसे करेंगे? यस बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे फॉर्मुला बता दो। एक्चुअली सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, मुझे फॉर्मुला बता दो, कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, बस टेल मी द फॉर्मुला ओनली। टेल मी द यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? याद है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला था, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। एक बार ना आप लोग अपने से करिएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। T इज इक्वल टू 2 पाए आर क्यूब अपॉन जी एम, ऐसा फॉर्मूला था। स्मॉल आर को आप आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, रेडियस प्लस हाइट। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू पाए आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम। तो आपको T2 माइनस T1 करना है, एक बार ऑप्शन लिख लो अपने से, ट्राई कर ले। T2 माइनस T1 मतलब 2 पाए कॉमन हो जाएगा, रूट जी एम भी कॉमन हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आर प्लस पी टू, आज आर प्लस एच टू क्यू माइनस आर प्लस एच वन क्यूब। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 दिया हुआ है, वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर देख लेना क्या है। टू पाए, पाए की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 3.14, जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी 6.6, अप्रोक्स करना पड़ेगा वरना स्टूडेंट तो कर ही नहीं पाएगा फिर इसको। माइनस 11, अर्थ का मास कितना दिया, 6 × 10^24। आर कितना है, 6400 प्लस 1600 क्यू माइनस 6400 प्लस 600। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं, है तो क्वेश्चन इजी, लेकिन कितना कैलकुलेशन कौन करेगा? अगर आप भाग के कैलकुलेशन से तो नहीं हो पाएगा फिर क्वेश्चन, आपसे भागना नहीं है, ठीक है? लेकिन ये किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 का क्यूब करोगे तो कितने जीरो बाहर आ जाएंगे, 1000 का क्यूब करेंगे बेटा 12 जीरो बाहर आ जाएंगे, 12 कैसे आए बेटा, 1000 का क्यूब करेंगे ना किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, to convert kilometer into meter you have to multiply it by 1000, 1000 ka cube is this one, 1000 ka cube nahi, 1000 ka cube 39 hoga, sorry 3 3 9 9। to fir aap usko dekh lijiyega 6.28, isko approx karo, approx kaise karenge aap kahenge sir, approx kaise karenge, 6.67 को 6 ले लो और उसको बाहर ले आओ, कैसे भी कुछ भी ऐसे करके बाहर ले आओ, ये 6 7 42 7 ले लो, व्हाटएवर इट इज, इसको अप्रोक्स करने की कोशिश करो, ठीक है? इसको घर पे एक बार ट्राई करना। 24 माइनस 11 कितना होगा, 24 माइनस 13 नहीं 13 होगा, हाँ अच्छा, ये कितना होगा, 6400 प्लस 1600 मतलब 8000 हो जाएगा ना, 80000 ना, 8000 क्यू माइनस 600 7000 क्यू इंटू 10^9, फिर इसका भी क्यू बाहर कर दो, वो भी बाहर आ जाएगा 6.28 रूट 6.67 इंटू 6 10^13 को बाहर करो यार, इसको
बाहर करते हैं, रुको, फिर ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 49 और 3 का क्यूब 9 होता है, तो 9 पहले से था, एक और 9 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो क्या आंसर आता है इसका। अच्छा 6 × 10⁴ छूट गया, 24 − 11 हाँ 13 हो गया, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, जस्ट राइट ऑप्शन नोट कर लो, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना घर पे एक बार, ट्राई योरसेल्फ, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग।